प्रेस कॉन्फ्रेंस सही नहीं हुआ जिसकी वजह से काफी उनको दुख हुआ है। बिल्कुल सही नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लोग विधायक बिल्कुल हंगामा कर दिया अपने आप में। सवाल का जवाब कहीं ना कहीं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सही सवेरे से जब से आप जो है आरती की शादी की है अपने बड़े बेटे से तब से जो है मीडिया की जो है यहाँ पे दरवाजे पर लाइन लगी। सुनिए कल भी आए थे लगभग, आपने कभी किसी मीडिया को घुमाया था क्या? अभी नहीं घुमाया है किसी को। फिर अभी इस तरह का हंगामा इतना भगदड़ क्यों मचा हुआ? अरे भगदड़ सर अपने अपने आप किया है मीडिया में। अच्छा सवाल पर कहीं ना कहीं जो है भड़क गए, सवाल तो अपने अपने ऐसा कहना है कि मेरे ऊपर धक्का मुक्की किया गया। ऐसा कोई धक्का मुक्की नहीं किया है, आप सब तो मीडिया में देखिए रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है बताया जा रहा है कि आरती खुद आके धक्का दी है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ है, आरती कहाँ धक्का दिया है? ये जो आरती तो आया इसलिए कि से आप लोग इसे हल्ला काहे कर रहे हैं, इसलिए आरती बोला कि से जो पूछना हमको पूछिए, यही बोलने के लिए आरती आए। चाचा जी बताइए अभी जो भगदड़ तड़क हुआ है मीडिया और आरती बाकी लोगों में जो लग रहा था कि तनातनी हो गई है, कारण क्या है? तनातनी कुछ नहीं हुआ, आरती तो ऐसा बोल रहा था कि जो हल्ला कर रहा है उल्टा पुल्टा सवाल कर रहा है, क्या सवाल करना है हम जवाब देंगे, इसलिए आरती ऐसा बोल रहा था। जी जी हाँ, जो आरती ने मान लीजिए शादी कर ली, हम ये नहीं कहेंगे कि उसने सही किया या गलत किया, एक तरह से सही इसलिए है कि कोई विधवा जो है अपने पति की मृत्यु के बाद जो है कानूनन वो शादी कर सकती है, कर सकती है, उस हिसाब से इन्होंने शादी कर ली। आरोप नहीं लगा, आरती पहले शादी छोटू से नहीं किया था, प्रेम किया था, प्रेम किया था, प्रेम के मतलब अथी में जो है वो अधीन में उसके गया उसके यहाँ, तो उनका पिताजी हत्या कर दिया, तो हत्या करने का उसका ऑर्डर तो नहीं था। जी जी हत्या तो नहीं करना चाहिए। जी जी तो गुनाह किया है, अपराध किया है, उनको तो सजा होगा। जी जी होगा, लेकिन अभी जो है शादी का संबंध में जो मीडिया हम कॉन्फ्रेंस किए प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब आए हैं, एक बार सबको बांटने देंगे। जी जी जी, लेकिन सब अपने में वो हल्ला कर दिया, हंगामा कर दिया। हमको ये बताइए मान लीजिए तो अभी शादी नहीं होता, लेकिन ऐसा भी कानून है कि एक विधवा औरत जो है वो शादी कर सकती है, उस हिसाब से उन्होंने शादी कर, सवाल नहीं होता, सवाल नहीं कर सकते, आखिर फिर क्यों सवाल किया गया उनसे? सुनिए ना, सवाल विधवा उनको नहीं कहा जाए क्योंकि शादी नहीं किया था, वो प्रेम किया था। नहीं ऐसा कानून भी है, अगर होता तो कर सकती है शादी। सुनिए ना, हम बात कर रहे हैं कि विधवा उनको कहे मानिएगा आप, उस शादी तो हमारे लड़का से किया नहीं था पहले, प्रेम किया था। जी जी, तो शादी अब उसको कितना दिन हम घर में रख सकते हैं, बहुत तरह का हमसे सवाल होने लगे। समाज का भय, समाज ये वही समाज जो पहले आलोचना कर रहा था कि फला की बेटी ये कर रही है वो कर रही है, अब वही समाज जो है कह रहे हैं कि कुमारी क्यों बैठी है, कुमारी क्यों बैठी, इसलिए हम सोचे कि शादी कर देते हैं। जी जी, सबका राजी रखवत से समाज का बीच में 500 आदमी का बीच के बीच सामने में शादी कर रही है, खुशी राजा मंदी के साथ, बिल्कुल खुशी राजा मंदी। तो ये आपके समाज के वही लोग अब आलोचना क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज कहाँ कर रहा है आलोचना, ये तो मीडिया भाई कर रहे हैं, सब मीडिया भाई कर रहा है। इस प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं कर लिए। जी जी, तो क्या उसको कुमारे रखते हैं हम? जी जी, मेरे सिर पर जो उसका भार था, हम बेटी उसको मान रहे, क्या उसका शादी हम नहीं करते? जरूर करेंगे, तो हम उसको बाहर नहीं जाने दिए, अपने घर में अपनी लड़का से शादी कर दिए। कुछ मीडिया ये भी कह रहे हैं कि अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो है आरती घर में से निकली और बहुत सारे मीडिया वालों को धक्का दिया। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जी धक्का नहीं हुआ, धक्का नहीं दिया गया, लेकिन मीडिया लोग सारा हल्ला कर रहे हैं इसी चीज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हल्ला तो झूठ मूठ का हल्ला कर रहा है आरती, किसी को धक्का नहीं दिया है, वो यही सवाल बोल रहा था आरती कि हम जो पूछना चाहता है हम जवाब देंगे। जी जी, इसलिए ऐसा बोल रहा था, वो धक्का कि किसी को नहीं दिया है। जी, मीडिया बंधुओं से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? जो आप देखिए, हम सबसे आग्रह करते हैं कि जो भी आए हैं शांति से बैठ लीजिएगा, तो लीजिए, नहीं लीजिए तो कोई बात नहीं, जाइए। जी जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि किसी को हम नहीं बुलाए हैं मीडिया वाले को, लोग अपने से आके हल्ला कर रहे हैं। देखिए, बुलाए नहीं, उस दिन शादी के दिन वो लोग हल्ला कर रहा है, हमको शादी के दिन काहे नहीं बुलाए? शादी के दिन एक घंटा में सब कुछ हुआ, हम किनको किनको फोन करते हैं? हम अपना लड़की को नहीं बुला सके शादी में, तब मीडिया भाई को कैसे बुलाते? आपके परिजन भी नहीं आए हुए? मेरा कोई संबंध का भी आदमी नहीं आए, समाज के बीच में शादी हुआ। जी जी जी, छोटू के जो भाई हैं मनु जी, वो बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं, अभी बड़े हैं। बड़े हैं, वो कहाँ पे काम कर रहे थे कि इतना जल्दी आए और उनकी शादी हो गई? देखिए, वो गुजरात में रहता था, 24 तारीख को आए, 25 तारीख को सब समाज मिल के शादी करवा, 24 तारीख आए, 25 को शादी हो गया। उनकी मर्जी है कि नहीं कि वो अपने छोटे भाई के प्रेमिका से शादी कर रहे हैं? सबका मर्जी से शादी हुआ है, मनु को भी मर्जी से हुआ है, अती का भी मर्जी से हुआ है, और समाज का भी मर्जी से शादी हुआ है। जी जी, हम चाहते थे कि सत्संग कराएंगे, सत्संग करा के सबको हम आमंत्रित करके सबको बुलाएंगे, लेकिन ये लोग तो अपने आप में हल्ला कर दिया।
जी ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे मैं माफी मांगता हूँ बस। चलिए बहुत बढ़िया। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद। We'll be right back.